वास्तु प्रेमियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं आज जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो कर्ज से संबंधित है। देखिए, कर्ज बढ़ता जाता है तो मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, विभिन्न प्रकार के संतुलन हमारे प्रभावित होते हैं और हम इसमें यह प्रयास करें कि कर्ज बढ़े नहीं, और अगर बढ़ गया है तो भी आप इस प्रकार का उपाय करें, और ये उपाय करने से आपको ये लाभ और मिलेगा कि कर्ज बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा भी संभव है। यदि बढ़ गया तो वो घटेगा। कैसे घटेगा, देखिए कविता का आनंद लीजिए। कर्ज की मार, लोन या कर्जे की मार बहुत तीव्र होती है, बहुत गहरी होती है, और जो पुरुष लोग हैं वो इसको बड़ी गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कोड़े मन पर यूं पड़े कर्ज करे जब खेल, घाणी चली न बैल की निकल गया सब तेल, निकल गया सब तेल, लगे हो शनि महाराज, खुश रहे वर्षों तक वे सब भारी नाराज, के वाणी कविराज आए सब दौड़े दौड़े, पूछते हाथ जोड़ रहे अब कितने कोड़े। देखिए, कर्जा जो है शरीर के ऊपर जैसे कोड़े मारे जाते हों, चाबुक मारे जाते हों, और उससे जो शरीर को दर्द की अनुभूति होती है उससे भी ज़्यादा खतरनाक, उससे भी ज़्यादा घातक कर्जे की अनुभूति होती है। कर्जे के कोड़े यानी कि पैसा मांगने वाले का फोन आ जाए कि इतना पैसा मेरे को अभी चाहिए, शाम को 5 बजे तक चाहिए, इतनी तारीख तक चाहिए, जब इस प्रकार के समाचार आते हैं मोबाइल के ऊपर, जब फोन आते हैं, तो वो व्यक्ति कितना क्या सोचता होगा। देखिए, यही कोड़े की कल्पना की गई है। कोड़े मन पर यूं पड़े कर्ज करे जब खेल, जब मांगने वालों के फोन आते हैं ऐसा लगता है जैसे कोड़े पड़ रहे हों। गाड़ी चली न बेल की निकल गया सब तेल, जैसे बेल की गाड़ी चलती थी और उससे तेल निकलता था, है ना, एक मुहावरा टाइप है, हमारा तेल निकल गया, तेल निकल गया, कहने का मतलब बहुत परेशान हो गए, तो वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। और निकल गया सब तेल, लगे हो शनि महाराज, और सब लोग मित्रों में चर्चाएँ होती है, यार शनि महाराज लग गए, शनि महाराज लग गए, ऐसा तेल। शनि महाराज के बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। शनि महाराज जो है न्याय के देवता है, इस गॉड ऑफ जजमेंट, वो केवल न्याय देते हैं। अब न्याय के अंदर अगर आपने कुछ कार्य अच्छे नहीं किए हैं इस जीवन में या पिछले जीवन में या उससे पिछले जीवन में, जो कुछ आपके उनका कितना पेमेंट आपको होना चाहिए, उस कौन से कार्य की कितनी सजा आपको मिलेगी, ये शनि महाराज तय करते हैं। और जब उनका दौर आता है कुंडली में, जब हॉरोस्कोप के अंदर उनका जो पीरियड आता है उस पीरियड में वो अपना जजमेंट देते हैं। तो खुश रहे वर्षों तक वे सब भारी नाराज, जब मुसीबत के दौर आता है, मुसीबत के दिन आते हैं, तब जो आपसे कई वर्षों तक जो आपके अजीज मित्र रहे हैं वो लोग भी नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात से भारी नाराज हो जाते हैं, और उनको मनाना, उनको समझाना, उनको राजी करना बड़ा कठिन हो जाता है। कह वाणी कविराज आए सब दौड़े दौड़े, पूछते हाथ जोड़ रहे अब कितने कौड़े। कर्ज का मारा व्यक्ति जो है, वाणी कविराज आपको बताना चाह रहे हैं कि वे सब जो है बस एक परिस्थिति के साथ, एक मानसिक चिंतन के साथ अपने जीवन को एडजस्ट कर लेते हैं, वो कोई प्रयास नहीं करते हैं, बस वो उस कष्ट उठा रहे तो उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, मन से राजी हो जाते हैं। जब उनके ऊपर कोड़े पड़ रहे हैं तो वो पूछते हैं हाथ जोड़ के, भाई इतने तो पड़ गए, अब और कितने और रहे हमारी किस्मत में, यानी कि हमने इतने पैसे तो चुका दिए ब्याज के, मूल के, अब कितने और बाकी रहे, है ना। दे एडजस्टेड द सिचुएशन, दे आर अनेबल टू चेंज द सिचुएशन। दो प्रकार की स्थितियाँ बनती है, वो उस हालात के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, वो लोग लंबे समय तक परेशान रहते हैं, लेकिन जो हालात को बदलने का हौसला रखते हैं, जो हालात को बदलने की पूरी हिम्मत और विजडम रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं और हिम्मत रखते हैं, वो लोग परिस्थितियाँ बदल भी देते हैं। और जब जैसे ही ग्रह नक्षत्रों के उतार चढ़ाव में परिवर्तन आता है, वो लोग तेज़ी से वापस
प्रगति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं और अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, अपने बुरे दिनों में हमें परिस्थितियों को बदलने का हौसला कभी खोना नहीं चाहिए, बस ये आपको सबको ध्यान रखना है। और जब हम समाधान की बात करते हैं, समाधान के ऊपर जब चिंतन करते हैं कि हम इस कर्जे से कैसे मुक्त होएं, तो आपके मकान के अंदर आपको ध्यान से देखना चाहिए, ऐसे भूखंडों में यदि आपके मकान के अंदर ईशान कोण की अगर उधर ढलान नहीं है तो आपको ढलान देना चाहिए। थोड़ी सी फर्शी आपको उखाड़नी पड़े तो उखाड़ लें, लेकिन मकान का पूरा ढलान आप ईशान कोण की ओर देंगे तो आपको निश्चित रूप से आपकी आय में वृद्धि होगी। और यदि ईशान कोण को बिलो 90 यानी 90 डिग्री से हम छोटा कर देंगे, जिसे गणित की भाषा में जिसे न्यून कोण कहा जाता है, अगर आप ईशान कोण को न्यून कोण के अंदर बदल देंगे यानी परफेक्ट 90 डिग्री है, तो उसे आप 85 कर दें, 80 कर दें, जो भी संभव जैसी परिस्थितियाँ हों, यदि आप उसका कोण भी बदल देंगे तो आपको निश्चित रूप से दोहरा लाभ प्राप्त होगा और कर्जे से आपको मुक्ति मिलने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी अच्छी बन जाएगी, आप शीघ्र ही कर्जे से मुक्त हो जाएंगे।